अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैथ क्लास 5, टॉपिक नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एक्सरसाइज 1C, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ वाला पार्ट करेंगे। इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं। वैल्यू है 833,170 डिवाइड बाय 845। स्टूडेंट्स, हमें डिवाइड करना है डिवीजन साइन से। जो फर्स्ट वैल्यू वो हमारी डिविडेंड है, तो हम यहाँ पे डिवीजन का साइन लिखेंगे, ठीक है। और अंदर हमारी लिखी जाएगी वैल्यू डिविडेंड 833,170, और डिवाइजर है हमारा 845, ठीक है। 845 हमारा डिवाइजर है और 833,170 डिविडेंड। अब हमने इन्हें डिवाइड करना है, तो डिवाइजर हमारा 845 है, इट मींस दैट हमने 845 का टेबल रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब 845 का टेबल हम रीड करने लगे हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, 845, अब फर्स्ट हमने 845 है, 833 है, तो ये छोटी वैल्यू है, इससे नेक्स्ट भी लेके हैं तो हमारे पास होगी 8331। तो इस वैल्यू के नियरेस्ट हमने वैल्यू लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन देखें बड़ी वैल्यू के साथ करना पड़ेगा, हम 8 से करते हैं। 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 4 32 32 प्लस 4 36, 6 लिखा 3 कैरी, 8 8 64, 64 में स्टूडेंट्स 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 67, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 6760, ये है 8331, ये छोटी है। अब हम इसे 9 से करते हैं, 845 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ठीक है। 9 5 45, 5 लिखा 4 कैरी, 9 4 36, 36 में हम स्टूडेंट्स 4 ऐड करेंगे, तो 36 में 4 ऐड करने से क्या होगा, क्या आएगा हमारे पास 40, तो 0 लिखेंगे, 4 नेक्स्ट को कैरी कर लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, 8 का टेबल हमने 9 तक रीड करना है, 8 9 72 72 में हम 4 ऐड करेंगे जो कैरी है, तो हमारे पास क्या आएगा 76, तो 10 से स्टूडेंट्स करेंगे तो ग्रेटर अमाउंट हो जाएगी, तो हम 9 7 1 11 11 में से 5 सब्रैक्ट करेंगे 6, यहाँ 2 रह गए, 2 में से 0 सब्रैक्ट करेंगे 2, यहाँ पे 3 है, स्मॉलर है, 3 में 6 सब्रैक्ट नहीं कर सकते, नेक्स्ट से कैरी लेगा, यहाँ नंबर हो जाएंगे 13, 13 में से हमने 6 सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7, ठीक है। अब फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये छोटी है, इसे ग्रेटर करने के लिए नीचे कौन सा डिजिट लेके आएंगे 7, ठीक है, 7267। अब फ्रेंड्स, हमने इसके नियरेस्ट वैल्यू लिखनी है, तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास 9 का करने से 7605 आ रही है, तो ये 7267 है, ये ग्रेटर है, तो 8 ज़ा करने से नियरेस्ट आ रही है, 8 ज़ा लिखेंगे, 845, 8 ज़ा क्या आएगी 6760, ठीक है। फ्रेंड्स, ग्रेटर अमाउंट नहीं लिखते, नियरेस्ट अमाउंट लिखते हैं। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 छोटा डिजिट है, नेक्स्ट कैरी लेते हैं, नंबर जो 12, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, ठीक है, यहाँ 6 रह गया, 6 में से 6 0। अब ये फिर छोटी अमाउंट है, नीचे किसे लेके आएंगे 0 को। अब हमारे पास इस वैल्यू का जो लास्ट डिजिट है वो हम ले आए हैं। अब हमने 845 का टेबल रीड करना है कि हमारे पास यही वैल्यू आए। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं 845 को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ 845 को 6 से, ठीक है, 6 5 30, 0 3 कैरी कर दिया,
6 4 24 24 plus 3 27 7 लिखा, 2 कैरी कर दिया, 6 8 48 48 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15। तो ये देखिए यही एग्जैक्ट आ गया, तो 6 8 45 6 5070। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे, 0 में से 0 0, 7 में से 7 0, ये सेम डिजिट्स हैं तो 0 आएगा, तो रिमाइंडर हमारा क्या आया 0। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमने इसे डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर है ये रहा, वक्त ही मैं ट्रेस करने लगी हूँ। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन क्या आया है, 986, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनको डिवाइड करने से हमारा आंसर आया 986, रिमाइंडर हमारा 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इसकी 4 वाले पार्ट की डिवीजन की तो हमारा क्वेश्चन आया 986। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 6 वाला पार्ट है, वैल्यू है 326,922 डिवाइड बाय 529। अब स्टूडेंट्स हमने डिवीजन साइन लिखा, डिवीजन साइन के अंदर हमारी डिविडेंड वैल्यू है 326,922। ठीक है, और डिवाइजर है हमारा 529। अब स्टूडेंट्स 529 का हमें टेबल रीड करना है, तो ये देखिए फर्स्ट थ्री वैल्यूज 326 छोटी है, नेक्स्ट भी हम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3269। अब हमने 529 का टेबल रीड करना है कि हमारे पास 3269 से नियरेस्ट वैल्यू है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम टेबल रीड करने लगे हैं, 529 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 9 54 4 लिखेंगे, 5 कैरी कर दिया, 6 2 12 12 प्लस 5 ऊपर वाला कैरी करेंगे ऐड। ठीक है, तो 17 7 1 कैरी, 6 5 30 प्लस 1 31, ये हमारे पास आया 3174 3269। आगे स्टूडेंट 7 करेंगे तो वैल्यू ग्रेटर आ जाएगी, तो हम यही लिखेंगे, यही नियरेस्ट वैल्यू है, क्या है 3174। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 छोटा डिजिट है, नेक्स्ट से कैरी लेकर तो यहाँ नंबर हो जाएंगे 16। ओके स्टूडेंट्स, अब 16 में से हमने 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 16 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, हमने इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू क्या आएगी 9। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे कैरी किया, यहाँ पे नंबर आ गया 1 1 में से 1 0 3 में से 3 0। अब इसे ग्रेटर करने के लिए 95 छोटा डिजिट है, इस वैल्यू को ग्रेटर करने के लिए कौन सा डिजिट हम नीचे लेके आएंगे, नेक्स्ट 2। ठीक है, नेक्स्ट वाला 2 लेके आएंगे नीचे, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 952। अब स्टूडेंट्स ये 1000 में ही बड़ी वैल्यूज है, तो 529 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 9 18, 8 लिखा 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 कैरी 5, 2 5 10, तो ये स्टूडेंट्स 952 है, ये 1058 है, 2 जा से बड़ा आ जाता है तो हम 1 जा करेंगे, 529 1 जा 529। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 छोटा डिजिट है, नेक्स्ट से कैरी करेगा तो यहाँ पे नंबर कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3। अब यहाँ पे रहेंगे 4 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, यहाँ पे 9 है, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने आएंगे नंबर 4। अब ये 423 है, ये 529 है, ये छोटी वैल्यू है, इसे ग्रेटर करने के लिए नेक्स्ट कौन सी वैल्यू नीचे लेके आएंगे 2। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वैल्यू हो गई है 4232। ठीक है, अब ये स्टूडेंट 6 साल करने से 3000 आ रहा है तो हम इसे करते हैं 8 जा, 529 को 8 जा से मल्टीप्लाई करते हैं,
एट नाइन सा सेवन टू, टू लिखा सेवन कैरी नेक्स्ट को कर दिया, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन में हम सेवन जो कैरी पर ऐड करेंगे, एट टू जा सिक्सटीन में सेवन ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ट्वेंटी थ्री, थ्री हमने लिखा टू नेक्स्ट को कैरी कर दिया, तो एट फाइव सा फोर्टी, फोर्टी में टू ऐड करेंगे कैरी तो फोर्टी टू। तो स्टूडेंट्स ये देखें फोर थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी टू, फोर थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी टू किससे करने से एट जा तो हम ऊपर लिखेंगे 529 एट जा 4232। ओके स्टूडेंट्स अब हमने ये सब्ट्रैक्ट करना है, टू में से टू सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो, थ्री में से थ्री जीरो, टू में से टू जीरो, फोर में से फोर जीरो, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो है जीरो। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा क्या आया है 680। ठीक है ये मैं नोटबुक रेज करने लगी हूँ। ठीक है हमारा क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 618। ठीक है ये डिवाइड करने से, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फोर के पार्ट नंबर फोर फाइव और सिक्स इन तीनों पार्ट्स का होमवर्क करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।